अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एंड अदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो हम एक वीडियो में नहीं सब दिखा सकते, तो इसलिए ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए है जो आगे का हमारा सफ़र है। और हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। देखें, कोशिश तो हमारी है कि हम आज पहुँचने की कोशिश करें, बट ऑलरेडी शाम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज जो है वो गिलगित पहुंच पाएंगे। बस अब देखते हैं, चलते हुए जा रहे हैं कि कहां तक के आज हम अपना सफ़र तय कर पाते हैं, वहां तक हम आज अपना सफ़र तय करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि रास्तों की खूबसूरती आप भी हमारे साथ देखते हुए जाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत रास्ते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, चारों तरफ माशाल्लाह ग्रीनरी ग्रीनरी, और उनमें बने हुए हैं छोटे छोटे से खूबसूरत से घर जो बड़े ही कलरफुल हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वीडियो में देखना और आंखों से देखने का मज़ा ही और है। वीडियो में एक अलग सी चीज़ दिख रही होती है, और जब आंखों के सामने देख रहे होते हैं ना, वो आप कभी भी वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते होते। वेल, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। मैं तो इन्जॉय करती भी जा रही हूँ कि वेदर वाकई बहुत मज़े का हो गया है, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। तो बस जाते हैं इस खूबसूरती को इन्जॉय करते हुए। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हम लोग इंटर हो चुके हैं नारान के अंदर। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है यहाँ पे, क्योंकि वो कोई डैम बन रहा है आई थिंक, जो कि बड़े ही खूबसूरत सा डैम बन रहा है, वो से नज़र भी आ रहा है दूर से। तो वो सुना तो यही है, हमने यहाँ गाड़ी रोकी थी। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है क्योंकि काम चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी ऑफ रोड हुई भी है, क्योंकि वो सारा काम हो रहा है ना, इस वजह से। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डैम बना रहे हैं वो यहाँ से चाइना को पानी सप्लाई किया जाएगा, उसके लिए साइड से जो है एक नई रोड बना रहे हैं पहाड़ों को काट के। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर तक में भी हो जाएगा रेडी, तो फिर हम दोबारा लगाएंगे चक्कर और फिर देखेंगे कि अब कैसा लग रहा है हमारा नारान। फ्रेंड्स देखें कितना खूबसूरत है, नीचे से लेक जा रही है, और ये हम जो इनके बड़ी खूबसूरत सी लेक है साथ साथ चलती हुई जा रही है। अब देखते हैं कहाँ तक ये हमारा साथ देती है। फिलहाल तो जो है हम रास्ते से लुत्फानंदोज़ होते हुए जा रहे हैं, वेदर बहुत प्यारा होता जा रहा है माशाल्लाह से। बस बादल आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी तो हम कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और जो है शाम भी होती जा रही है। तो ये हो चुकी है हल्की फुल्की सी बारिश शुरू, बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हो गई है, मज़े की लग रही है, लाइट लाइट सी। तो मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट ही पहुँचेंगे, मे बी कहीं रुके हैं, मे बी नहा रुके हैं, अगर रुके तो कुछ वीडियोस बनाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं रुके तो सीधा नारान ही फिर जाकर हम लास्ट स्टॉप करेंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, इतनी लंबी ड्राइव चल रही है मुसलसल सुबह से। तो दोस्तों, ये जिस डैम की मैं बात कर रही थी, ये देखें, ये वो डैम है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड काफ़ी पीछे से आ रहा था, फिर बीच में कुछ पैच अच्छा हो जा रहा था, बट फिर आ गई है क्योंकि काम चल रहा है काफ़ी सारा। तो ये हम पानी में से भी गुजरते हुए जाएंगे, जो उन्होंने उस पर एक कोई छोटा सा लकड़ी के पीस से बनाया हुआ नज़र आ रहा है सामने से ना, लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं, काफ़ी डर लग रहा है। बस अल्लाह करे हम यहाँ से सुकून से गुजर जाएं। ये देखें नीचे सारा पानी है, देखें ये सारा पानी नीचे से, ये पूरा जो है ना ये डैम बना रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान चाइना के लिए पानी सप्लाई किया करेगा। फिर देखें कितना खूबसूरत है, वाह यार माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारा जो है ना यहाँ बीच में इन्होंने तोड़ा हुआ है, इसको ये प्रॉपर बनाएंगे, ये पूरा डैम बन जाएगा, प्रॉपर डैम बनेगा। तो फ्रेंड्स हम नारान पहुंच चुके हैं, बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया है, 2 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि हम आगे का सफ़र आज कर सकते हैं, हम थक भी बहुत गए, तो हम होटल पे रुक गए और ये हमने होटल ले लिया। ये कुछ इस तरह का हमारा सीन है। चलें अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।